स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए बात करते हैं, आज 20 मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत आज की देश भर की तमाम बड़ी ताजा खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। मोदी सरकार की तरफ से लॉकडाउन 4 में एक और बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी अच्छी खबर है और साथ ही चीनी वायरस से संबंधित भी कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मौसम समाचार भी जानेंगे, जहां तूफान को लेकर आज कुछ नए राज्यों में चेतावनी जारी हुई है। इसके अलावा टिकटॉक बैन को लेकर भी एक बड़ी खबर है जो आपको बताएंगे जरूर। आपको पता होगा दोस्तों कि वो टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर का जो मसला चल रहा है कैरिमिनाटी वाला, उसके बाद टिकटॉक बैन को लेकर मांग बढ़ गई है, रेटिंग कम हो गई है टिकटॉक की प्ले स्टोर पर। और ऐसे में कैरी के वीडियो के बाद टिकटॉक बैन को लेकर बड़ी ही खबरें चल रही है, आपको बताएंगे दोस्तों। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं सीधे पहले अपडेट में। तो सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बताया क्या, तमाम मधुमक्खी उत्पादों के लाभ पर आज चर्चा की जाएगी BDC सदस्यों के द्वारा। वैसे आपकी जानकारी के लिए और जनरल नॉलेज में इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा जनरल असेंबली ने वर्ष 2017 में 20 मई को पूरे विश्व में मधुमक्खी दिवस मनाने का संकल्प किया और आज ये मनाया जाता है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की बड़ी खबर, नौकरी बदलने पर आपको ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का ऑप्शन 5 नहीं 1 साल में मिलेगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अगर आप कंपनी बदलते हैं ना तो PF की तरह ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने का भी आपको अब मौका मिल सकता है। इसके साथ ही कंपनी में आप जितना समय भी काम करते हैं तब तक ग्रेच्युटी का आपको लेने का अधिकार मिल सकता है। दरअसल CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक लेबर रिफॉर्म के तहत सरकार ने इस प्रस्ताव पर काम भी शुरू कर दिया। और आसान भाषा में समझे तो किसी कंपनी में लगातार कई साल तक काम करने वाले कर्मचारी को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड यानी कि PF के अलावा जो पैसा मिलता है ना उसे ग्रेच्युटी पेमेंट कहते हैं। और ऐसे में दोस्तों इसमें पहले क्या होता था कि 5 साल तक काम करने के बाद ही कंपनियां ग्रेच्युटी देती थी, राइट। लेकिन एक तो इसमें सरकार अब इस नियम को 1 साल करने जा रही है। इसके अलावा अगर आप कंपनी चेंज करते हो, जॉब छोड़ करके दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ आपका ग्रेच्युटी ट्रांसफर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे बहुत ज्यादा है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहाँ कहाँ चलेगी अब रेलवे तय करेगा, ये बात जारी हो चुके हैं इसको लेकर नए दिशा निर्देश। जहाँ नए आदेश के बाद साफ है दोस्तों की रेलवे अब तय करेगा की ट्रेन कब और कहाँ चलेगी। इसके अलावा उनके स्टॉपेज भी रेलवे ही तय करेगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों और रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय द्वारा अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का संचालन रेलवे को ही दे दिया, तो अब ये कमान बिल्कुल रेलवे के ही हाथ में है। चलिए साथ ही अगली खबर है, JEE मेन 2020 एग्जाम को लेकर NTA का बड़ा ऐलान है। JEE मुख्य परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन का मौका मिल रहा है। दरअसल ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा था चीनी वायरस के चलते और इसी के कारण JEE मेन एग्जाम के फॉर्म अब वापस भरवाए जा रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों 24 मई तक ये ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी जो कि 19 तारीख से शुरू हो चुकी है और तब तक आप JEE मेन के लिए फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरा तो, मिस कर गए तो ना। अगली खबर है, 48,000 के करीब पहुंचा सोने का भाव, निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया समय है ये। जहाँ कल रात तक दोस्तों सोने का भाव 48,000 रुपए के करीब पहुंच गया, अभी सोने का एग्जैक्ट रेट चल रहा है 47,929 रुपए प्रति 10 ग्राम। और ऐसे में अगर आप सोने में इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं ना तो सोना भी और ज्यादा उछाल जाने की संभावना है और एक्सपर्ट की राय की माने तो आप कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगली खबर है, जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र के नियम तय हो चुके हैं। सरकार ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जम्मू कश्मीर में अब मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया और इसके अनुसार दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिकार और जम्मू कश्मीर नागरिक सेवा अधिनियम 2010 के नियमों के तहत डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। इसके लिए कौन पात्र होंगे, तो जम्मू कश्मीर ग्रांट के मुताबिक वेस्ट पाकिस्तान, वाल्मीकियों को बाहरी लोगों से शादी करने वाली महिलाओं, गैर रजिस्टर्ड कश्मीरी प्रवासियों, विस्थापित लोगों को डोमिसाइल देने के लिए पात्र माना जाएगा। ये यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है। और साथ ही अगली खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को होगी कैबिनेट की एक अहम बैठक, इसमें कई सारे अहम फैसले हो सकते हैं। जी हाँ, आज दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को मंजूरी भी मिल सकती है। हालांकि सरकार ने इस पैकेज की घोषणा तो कर दी है लेकिन अब मंजूरी मिलना बाकी है, तो मंजूरी मिल ही जाएगी ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा भी इस बैठक में और कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा सकते हैं, तो देखते हैं आज बुधवार को इस कैबिनेट मीटिंग में क्या डिसीजन होता है। मैं आपको लाइव अपडेट बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग, तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहेगा और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात करें अगली खबर है दोस्तों की, ऑफिस में थूकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, अब थूकना पड़ेगा भारी जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जी हाँ, कार्मिक मंत्रालय ने एक सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किए दोस्तों, जिसमें ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर थूकने वालों के खिलाफ जुर्माना या सजा देने की बात कही गई है। क्योंकि दोस्तों थूक के द्वारा कई लोग गुटखे वगैरह जो खाते हैं ना उसके चलते थूक से इस चीनी वायरस के संक्रमण का फैलने का खतरा बना रहता है और इसीलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए अगली खबर है कि फैक्ट चेक के तहत, देखिए आजकल आपने सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखी होगी, हो सकता है मीडिया में न्यूज में देखा होगा कि श्रमिकों को सरकार से मिलेंगे 1.2 लाख रुपए। इस वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई जब दोस्तों PIB ने निकाली ना, तो वो आपके लिए जानना जरूरी है। ये बिल्कुल फेक न्यूज है दोस्तों, कोई
भी श्रमिकों या मजदूरों को सरकार ने 1,00,000 रुपए देने का ऐलान नहीं किया, ठीक है ना। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने 1990 से लेकर 2020 तक काम किया उनको सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय की तरफ से 1,20,00,000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 1,20,000। लेकिन ये मैसेज बिल्कुल फर्जी है, इस पर लिंक भी दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक ना करें। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट भी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई सारे ऐसे मैसेज वायरल होते रहते हैं तो सरकार खुद उनकी जांच करती है और फिर पब्लिक में अनाउंस करती है। तो ये भी जांच की गई है और पब्लिक में अनाउंस किया गया है, बिल्कुल फेक मैसेज है दोस्तों, इस पर ध्यान ना दें, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पर इस तरह के मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगली खबर है, सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जहां आपको बता दें चीनी वायरस जैसी महामारी से निपटने में सभी देशों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और भारत में भी इससे संक्रमित मरीजों की संख्या 1,00,000 का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। आगे हम आपको बताएंगे एग्जैक्ट डेटा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक और बड़ा कदम उठाया और सरकारी खर्चों में कटौती के लिए राज्य में कई कार्यों में अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। इनमें नई गाड़ियों से लेकर हवाई यात्रा में बिजनेस क्लास में सफर तक बैन कर दिया गया सरकारी कर्मचारियों के लिए, है ना। सरकारी कार्यों के लिए नई गाड़ी और हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में सफर करने पर रोक रहेगी। टूर के बजाय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। कोई भी अधिकारी किसी 5-स्टार या 7-स्टार होटल में किसी तरह की कॉन्फ्रेंस सेमिनार मीटिंग आयोजित नहीं करेगा। इसके लिए सरकारी इमारतों का ही प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा 16,00,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों पर रोक लगा दी गई है। राज्य में कोई भी बड़ी योजना को लॉन्च नहीं किया जाएगा। सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्तों में कटौती की गई है ताकि सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम किया जा सके। कोई भी नया पद फिलहाल नहीं भरा जाएगा जिससे कि सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए हैं। चलिए अगली खबर है कि टिकटॉक के खिलाफ मैदान में उतरे प्रेस रावल, ऐप बैन करने को लेकर किया ये ट्वीट। जी हाँ, तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। टिकटॉकर वर्सेस यूट्यूबर का मसला पिछले कुछ दिनों से चल रहा, राइट। और इस मसले पर खड़ी बाई तब लग चुकी थी जब कैरी मिनाटी ने आमिर सिद्दीकी के ऊपर दी एंड का एक वीडियो डाला था, राइट। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूं कि 1-2 दिन बाद ही यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया और उसके बाद मसला वापस छिड़ गया, वरना उस मैटर पर वहीं पर दी एंड लग रहा था। उसके बाद मसला वापस छिड़ा तो टिकटॉक बैन को लेकर कई सारी मांगे उठी। टेक्निकल गुरुजी ने भी अलग अलग फोन्स में टिकटॉक को रिमूव करने की ट्यूटोरियल वगैरह भी डाले और टिकटॉक बैन की ट्विटर पर भी हैशटैग वगैरह भी आपने देखी होगी। और उसके बाद अभी बीच में एक और नया मसला आया दोस्तों कि टिकटॉक के ऊपर एक और अपने साहब हैं फैजल सिद्दीकी, उन्होंने भी एक कुछ ऐसा वीडियो डाला था जिसकी वजह से टिकटॉक ने उनका अकाउंट भी बैन कर दिया। वो एक लड़की के ऊपर कुछ फेंकने वाला वीडियो है, तो इनका तो अकाउंट बैन किया चुकिया। लेकिन भारत में पिछले कुछ दिनों से दोस्तों टिकटॉक की रेटिंग भी कम हो गई प्ले स्टोर के ऊपर और ऐसे में टिकटॉक बैन को लेकर तगड़ा मसला चल रहा है ना। तो इसके ऊपर परेश रावल साहब जो कि कॉमेडियन है, एक्टर है, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। ट्वीट इनका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। इन्होंने लिखा कि बैन टिकटॉक, बस ट्वीट इतना ही किया, लेकिन इनकी ट्वीट को 1,77,000 लोगों ने लाइक भी किया, यानी ये भी सपोर्ट कर रहे हैं टिकटॉक बैन को लेकर। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं टिकटॉक कैरी मिनाटी यूट्यूबर से संबंधित ज्यादा अपडेट्स तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा यस DLS भाई, ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको और भी आगे इससे संबंधित अपडेट्स भी देता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख पा रहे, चीनी वायरस को लेकर कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों देश में इस चीनी वायरस के मामले 1,05,000 के पार पहुंच चुके हैं। सरकार ने कहा कि जान जाने वाले लोगों की दर काफी कम है। जी हाँ, तो आखिरकार दोस्तों आंकड़ों का मसला 1,00,000 के पार पहुंच गया। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान भी काफी मामले देखे गए 4-5 हजार के बीच में। और इसी बीच एक अच्छी राहत की बात यह है कि दूसरे देशों के मुकाबले भारत में इसकी धीमी गति चल रही है। 1,00,000 की जनसंख्या में औसतन सिर्फ 0.2 लोग ही इस दुनिया को अलविदा कर रहे हैं, तो भारत में ये आंकड़ा काफी कम है। इसके अलावा कल दोस्तों उत्तराखंड में बहुत ज्यादा मामले देखे गए, एक ही दिन में 14 और नए केस सामने आए, 97 से बढ़कर सीधी संख्या 111 हो गई। और एक अपडेट देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में घर लौटे 50 प्रवासी मजदूर 50 के 50 से संक्रमित पाए गए। पहले से ही क्वारंटाइन थे इसमें सभी कामगार, लेकिन फिर भी ये संक्रमित निकल गए। देखिए हालात क्या चले हैं। देश भर में दोस्तों अब तक 3100 से ज्यादा लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी की वजह से। और एक अपडेट देख सकते हैं कि इस वायरस के लगभग 5,000 मामले सामने देखने को मिले। सरकार ने कहा कि भारत में काफी कम जान जाने वाले लोगों की संख्या, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान ही लगभग 5,000 के समथिंग मामले देखे गए। ये तो रही दोस्तों इस चीनी वायरस को लेकर कुछ ताजा अपडेट। अब नजर डालते हैं आज के मौसम समाचार पर। तो वेदर अपडेट आप देख सकते हैं कि सुपर साइक्लोन में बदला अम्फान तूफान। NDRF की अब 41 टीमों को दोस्तों उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया। आपको बताऊंगा अम्फान तूफान को लेकर अलर्ट जारी है। 20 तारीख आज स्पेशल अलर्ट है कई राज्यों में, स्पेशली पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में दोस्तों कुल 41 टीमों को तैनात किया गया। सेना की ये टीमें हैं जो लोगों की रक्षा करेगी इमरजेंसी हालातों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद इस प्राकृतिक घटना का जायजा ले रहे हैं, खुद फैसले ले रहे हैं जिनके बदौलत लोगों को कम से कम नुकसान हो और उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके, तो ये अच्छी बात है। और ऐसे में दोस्तों इस साइक्लोन तूफान के चलते किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, कितनी रफ्तार से हवाएं चलेगी, तो इसको लेकर भी अपडेट आप देख पा रहे। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भयंकर बारिश हो सकती है और 185 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार तक भी हवाएं चल सकती हैं। इसका असर भी देखने को मिल चुका है, बारिश शुरू भी हो चुकी है, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगले 3 दिन तक दोस्तों इसका असर रहने का अनुमान है, ये भारतीय मौसम विभाग की तरफ से अपडेट है। और वहीं संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों
के दौरान तटीय उड़ीसा गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों से सटे समुद्री क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु के तटीय भागों पर बंगाल की खाड़ी में उथल फुथल मची रहेगी। इसके अलावा केरल और तटीय कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन कुछ जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक उड़ीसा, पूर्वी झारखंड और पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के कुछ जगहों पर भी लू का प्रकोप दिखाई दे सकता है। तो ये मसला चल रहा है दोस्तों मौसम समाचार को लेकर। वहीं बात करें अगली बड़ी खबरों में, देख पा रहे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया चिकित्सा सेतु एप्लीकेशन का लोकार्पण, जो कि इस चीनी वायरस से लड़ने में मददगार साबित होगा। जिस तरह से दोस्तों केंद्र सरकार का आरोग्य सेतु ऐप है ना, उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है चिकित्सा सेतु ऐप, जो कि देश का पहला चिकित्सा प्रशिक्षण एप्लीकेशन है, जिसमें आपको जानकारियां वगैरह भी मिल जाएगी कि किस तरह से इस बीमारी से लड़ा जाए वगैरह वगैरह। डाउनलोड कर सकते हैं आप भी अपने नजदीकी प्ले स्टोर पर जाकर के। और साथ ही अगली खबर है कि मात्र 3 मिनट में बिक गए 70,000 फोन। जी हाँ दोस्तों, रियलमी नार्जो 10 जो हाल ही में स्मार्टफोन लॉन्च हुआ, मात्र 3 मिनट में इसकी इतनी बुकिंग रही। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आप अगर ये फोन खरीदना चाहते हैं तो आपकी मर्जी के ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक करके ही खरीदें, ठीक है ना। मैं ओनली अपडेट इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको बता रहा हूँ। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को लेकर अपडेट कि निजी स्कूलों के आगे प्रशासन झुका और आदेश वापस लेकर अभिभावकों को 31 मई तक फीस जमा कराने को कहा। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये अपडेट आ रहा है, जहां पर चंडीगढ़ में 31 मई से पहले सभी अभिभावकों को स्कूल फीस बकाया जमा कराने को कहा गया। चलिए अगली खबर है कंपनियों की हड़बड़ाहट से बौखलाया चीन और कहा कि भारत नहीं बन सकता हमारा विकल्प। जहां चीनी वायरस महामारी में दोस्तों सप्लाई चेन प्रभावित होने के बाद चीन से करीब 1,000 कंपनियां अपना कारोबार समेट कर भारत में शिफ्ट होना चाहती हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों जर्मनी की एक जूता कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चीन से हटाकर आगरा में शिफ्ट करने की बात कही है। वहीं ओप्पो और एप्पल जैसी कंपनियों ने भी ऐसे संकेत दिए हैं। इस पर चीन बौखला गया। अपने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में चीन का गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा। चीन ने वेस्टर्न मीडिया को दलाल भी बताया। हालांकि अब होना जाना कुछ नहीं है, आने वाली कंपनियां तो आएगी ही, है ना। अगली खबर है कि बिहार बोर्ड का 10th रिजल्ट दोस्तों आज जारी होने जा रहा। मैट्रिक रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जल्द ही रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा बस कुछ ही देर में। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर भी एक अलग से अपडेट दे दूंगा, लेकिन आप अपने मोबाइल में चेक करना चाहते हैं दोस्तों तो इंडिया रिजल्ट के ऊपर चेक कर सकते हैं या BSEBBihar.com के ऊपर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। हालांकि जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से अलर्ट अपडेट दे दूंगा। कुल मिलाकर के आज आने की संभावना पूरी पूरी, ठीक है। अगला अपडेट है दोस्तों की 3 महीने आपका PF कम कटेगा, बच्चा पैसा सीधे आपके हाथ में आएगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार ने जो ये नया लास्ट वाला जो राहत पैकेज जारी किया था ना 20 लाख करोड़ रुपए वाला, उसमें दोस्तों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत दी थी। आप में से कई सारे भाई बहन पूछ रहे हैं कि यार DLS भाई पीएफ पर क्या फायदा मिला। तो मैं आपको बता दूं कि अगले 3 महीने तक आपका पीएफ सरकार जमा करेगी, हालांकि पूरा नहीं, उसमें से ज्यादातर मैक्सिमम आधी रकम आप मान लो आधी गवर्नमेंट डालेगी और उस तरह से आपका पूरा पीएफ का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। और भी ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं सरकार की नई योजना के तहत। अगली खबर है दोस्तों BYD हैन को लेकर, देख सकते हैं पेश हुई सबसे दमदार ड्राइविंग रेंज वाली इलेक्ट्रिक सेडान कार, जो कि सिंगल चार्ज में 605 किलोमीटर चलने का कंपनी दावा कर रही है। ये कार सीधे तौर पर टेस्ला मॉडल 3 को टक्कर देने की संभावना है। हालांकि अभी तक ये मार्केट में आई नहीं है, सिर्फ इसको प्रदर्शनी के तौर पर पेश किया गया है, देखते हैं कब तक आती है। फिलहाल अगला अपडेट है कि ऑटो इंडस्ट्री को ही लेकर एक और अच्छी खबर देख सकते हैं। महिंद्रा कंपनी भी दोस्तों अब आपके लिए एक अच्छी फाइनेंस स्कीम लेकर आई है। नई है कि इस साल खरीदे SUV और अगले 2 साल से दें EMI। जहां लॉकडाउन चल रहा है और काफी कुछ ठप पड़े हैं मार्केट, इसी बीच दोस्तों महिंद्रा कंपनी ने भी ऑफर निकाला है। आप अपने नजदीकी महिंद्रा शोरूम जाकर के इस ऑफर के बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं, वैसे यहाँ पर भी दी हुई है, वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि सैलरी को लेकर एक बड़ा फैसला आया। सरकार ने वापस दोस्तों लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का जो निर्देश था उसको वापस ले लिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी इस पर मसला निकाला था, आपको पता होगा, तो उसके बाद ये अपडेट है। साथ ही अगली खबर है कि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी PM केयर्स कोष में देंगे अतिरिक्त 8 करोड़ रुपए और देंगे। देश भर के SBI के स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर, ये राहत की बात। चलिए अगली खबर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में लॉकडाउन के दौरान नॉन रेड जोन में दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की अनुमति दे दी है, आवाजाही अनुमति दे दी। इसके अलावा सरकार ने नॉन रेड जोन में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सार्वजनिक जगहों स्थलों को खोलने की भी अनुमति दी है। हालांकि यहाँ पर किसी भी तरह के आयोजन में दर्शकों के मौजूद रहने की मंजूरी नहीं होगी। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला है। और अगली खबर है कि दोस्तों हमारे सभी देश के बैंक जो इस तरह की सुविधा शुरू करें जिसके तहत बहुत जल्द घर बैठे ही आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। KYC वगैरह कुछ भी अपडेट कराने की जरूरत नहीं रहेगी, सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। और अगली खबर है कि फ्लिपकार्ट ने लॉकडाउन के बीच इस कंपनी से हाथ मिलाया, 240 शहरों में करेगी डिलीवरी। जी हाँ दोस्तों, वॉलमार्ट
फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी फ्लिपकार्ट ने लोगों के घरों तक जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए रिटेल स्टोर चेन विशाल मेगा मार्ट के साथ हाथ मिलाया है। शुरुआती चरण में केवल 26 शहरों में इसका लाभ मिलेगा। कौन कौन से मिल्स की लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है। HDFC बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों को लंबी अवधि तक जमा राशि पर अधिक ब्याज देने का फैसला लिया और अब दोस्तों ब्याज 0.75% अधिक मिलेगा। यह राहत की बात है बूढ़े दादाजियों के लिए। और साथ ही अगली खबर है कि लॉकडाउन के बाद होटलों में सैनिटाइज स्टे उपलब्ध करवाएगी ओयो और मिलेंगी ये सुविधाएं। जहां पहले ही चरण में दोस्तों ओयो की योजना ऐसे सैनिटाइज स्टे उपलब्ध कराने की है जहां ग्राहकों को कम से कम स्पर्श करना होगा और बुकिंग प्लेटफॉर्म पर सैनिटाइज आवास का टैग भी लगा हुआ होगा। ये ओयो की तरफ से एक नया फीचर होटलों में आपको देखने मिलेगा। और साथ ही अगली खबर है कि हरियाणा इस साल मनरेगा के तहत 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा, ये उप मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान है। अगला अपडेट है, शुरू हो चुकी है उबर की कैब सर्विस दोस्तों, लेकिन पैसेंजर्स और ड्राइवर्स के लिए कुछ जरूरी नियम कानून कायदे हैं। 9 नियम आपके लिए जानना जरूरी है। तो उबर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक दोस्तों जब कोई यात्री कैब बुक करेगा ना तो उसके सामने भी नई गाइडलाइंस का पेज खुलेगा जिसमें यात्रा के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए टिप्स दिए जाएंगे। इसके तहत राइडर को मास्क पहनना होगा, गाड़ी में बैठने से पहले अपने हाथ साफ करें, गाड़ी में केवल पिछली सीट पर ही बैठ सकते हैं, ड्राइवर के अलावा 2 लोग और यात्रा कर सकते हैं बस। अपना लगेज खुद को हैंडल करना है। AC को लेवल फ्रेश एयर मोड में इस्तेमाल करें या AC का यूज न करने की सलाह दी जाए। ये दोस्तों उबर कंपनी की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किए जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा रेल मंत्री की तरफ से एक और बयान आ रहा दोस्तों कि 1 जून से हर दिन 200 नॉन AC ट्रेनें चला जाएंगी, जल्द ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। राहत की बात है, रेल मंत्री जी की तरफ से खुद ये ट्वीट किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इस सिगड़े में ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस, न्यूज का अपडेट वीडियो में फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की 0-1-2-3-4 इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए दिल से, फटाफट से लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।